हमारे लगातार कैंपिंग पहले से ही चलते आ रहे हैं, पहले बल्लभगढ़ में भी लगाया, आगे भी चलता रहेगा। आज विशेष इन टेम्पो ड्राइवरों के लिए, ऑटो ड्राइवरों के लिए बहुत ज़्यादा इनको इन्फेक्शन के चांस होते हैं कोविड के, और अगर ये इन्फेक्टेड हो गए तो ये सवारियों को फैलाने के उससे भी ज़्यादा चांस होते हैं। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आज कोविड 19 वैक्सीन का और टेस्टिंग का दोनों ही प्रकार के कैंप यहाँ जारी हैं। ये बदरपुर बॉर्डर पर बाईपास रोड के पास ये माननीय SHO साहब ट्रैफिक के हैं। इनकी हैदराबाद में जिस तरीके से कोरोना मरीजों के आंकड़े आए दिन बढ़ते जा रहे थे, आज कोरोना मरीजों के आंकड़ों की बात की जाए तो वो कहीं ना कहीं कम होते जा रहे हैं। लोगों की सूझबूझ को देखते हुए आज स्वास्थ्य विभाग की टीम बदरपुर बॉर्डर पर पहुंची है, जहां उन्होंने वैक्सीनेशन और कोरोना कैंप टेस्ट का कैंप लगाया हुआ है। जिस अगर कोरोना मरीजों के आंकड़ों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं कोरोना मरीजों के आंकड़ों के जो हुए है वो कम होते जा रही हैं। जहां एक तरफ पूरा देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा था, उसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम भी अलर्ट दिखाई दे रही है। फरीदाबाद में पहला डेल्टा प्लस का मरीज पाया गया है, जिसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम आज बदरपुर बॉर्डर पर वैक्सीनेशन और कोरोना टेस्ट का कैंप लगाया हुआ है। अब देखना होगा कि जिस तरीके से फरीदाबाद में पिछली लहर आई, दो लहर निकल चुकी हैं, अब कोरोना की जो लहर थी जिनने लोगों की कमर तोड़ के रख दी थी, अब ये देखना होगा कि जो डेल्टा प्लस है उसको किस तरीके से स्वास्थ्य विभाग हैंडल कर पाएगा, किस तरीके से तैयारियां की गई हैं डेल्टा प्लस को लेकर के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है, जिस तरीके से पहला मरीज सेक्टर 3 में पाया गया था डेल्टा प्लस का, उसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अब देखना होगा कि हमारे साथ हैं नोडल अधिकारी डॉक्टर मान सिंह, उनसे बात करेंगे कि जिस तरीके से पहला मरीज डेल्टा प्लस का सेक्टर 3 में पाया गया है उसको किस तरीके से हैंडल किया जाएगा। लोगों के अंदर कहीं ना कहीं एक डर का माहौल है कि तीसरी लहर आने वाली है। डेल्टा प्लस का पहला मरीज पाया गया, आइए डॉक्टर मान सिंह से बात करेंगे कि डेल्टा प्लस का जो मरीज पाया गया है उसको किस तरीके से, आइए डॉक्टर साहब, डेल्टा प्लस का पहला मरीज सेक्टर 3 में पाया गया है, कहा जा रहा था कि तीसरी लहर आने वाली है, तीसरी लहर में डेल्टा प्लस का किस तरीके का हुआ है ये वायरस? देखो, ये डेल्टा प्लस भी कोविड का ही बदला हुआ रूप है। इससे पहले कोविड-19 का जो वायरस था इसका थोड़ा हाई प्रोफाइल वायरस है, और इसमें भी सेम सिम्टम वही है, खांसी जुकाम बुखार और बॉडी पेन। ये जो पेशेंट था सेक्टर 3 का, इसको लगभग एक हफ्ते, ये 4 मई को हमारे यहाँ पॉजिटिव आया था, सरकारी अस्पताल में RT-PCR टेस्ट कराया था, तो ये होम आइसोलेशन में रहा था और वहीं पर ठीक हो गया था। सिम्टम यही थे कि एक हफ्ते तक बुखार रहा था और लगभग 2 हफ्ते तक उसको खांसी जुकाम रहा था। डॉक्टर साहब, ये कैंप लगाया गया है, कितने लोगों के तो वैक्सीन लगाई जाएगी और कितने टेस्ट यहाँ किए जाएंगे और किन किन लोगों के किए जा रहे हैं? हमारे पास कोई लिमिट नहीं है, 500, 700, 1000 वैक्सीन की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। ये डिपेंड करता है कि कितने लोग इसका फायदा उठा पाते हैं, और टेस्टिंग का और वैक्सीनेशन दोनों ही पूरी तरह उपलब्ध है, हजारों की संख्या में, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। और इन सब चीज़ों को मद्देनज़र ध्यान में रखते हुए ये स्पेशल आज ऑटो ड्राइवरों के लिए, यहाँ पे ऑटो के स्टैंड भी है और ऑटो के प्रधान जी भी है, इनका योगदान भी है साथ में, और इनके लिए विशेष तौर से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सवारियों को आदान प्रदान करते हैं, कहीं ना कहीं ये अगर इन्फेक्टेड हो गए तो ये फैलाने में बहुत ज़्यादा कारगर रहेंगे। तो इस तीसरी लहर का ध्यान में रखते हुए सारे कैंप लगाए जा रहे हैं और ये लगातार जारी रहेंगे आगे भी। सर, लोगों की सूझबूझ से जो कोरोना मरीजों के आंकड़ों की अगर बात की जाए तो वो कहीं ना कहीं कम थे, लेकिन अब की बात, फिलहाल की बात की जाए तो लोग कहीं ना कहीं लापरवाही बरतते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाजारों की बात की जाए या खुले स्थलों की बात की जाए तो बगैर मास्क के घूमते हुए दिखाई देते हैं लोग। देखो, ये बिल्कुल ठीक कहा आपने कि इसमें कहीं ना कहीं, चाहे दूसरी लहर हो चाहे पहली लहर हो, पब्लिक का बहुत बड़ा योगदान है। अगर ये असावधानियाँ, अगर इन सावधानियों को नहीं बरतेंगे, इनको ध्यान में नहीं रखेंगे, तो कहीं ना कहीं तीसरी लहर का भी खामियाजा इनको उठाना पड़ेगा। लेकिन स्वास्थ्य विभाग इसमें दिन रात जुटा हुआ है और वैक्सीनेशन का इसीलिए लगातार कैंप लगा रहे हैं कि ये तीसरी लहर ना आ पाए। कहा जा रहा था कि तीसरी लहर बच्चों के लिए बड़ी खतरनाक होगी, लेकिन क्या बच्चों को खतरनाक हो सकती है तीसरी लहर? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि जब फर्स्ट लहर में देखा गया था तो उसमें ओल्ड एज बंदों को लगा जा चुकी थी वैक्सीन, और सेकंड लहर में बहुत ज़्यादा यंग एज के बंदों का नुकसान हुआ था। इसी प्रकार ये आइडिया लगा रहे हैं कि अभी कहीं ना कहीं बच्चे वैक्सीनेशन से बच रहे हैं, इनका अभी एक्सपेरिमेंट पूरी तरह नहीं हुआ है, इनको वैक्सीन नहीं लग रही है, तो कहीं ना कहीं बच्चों को होने की ज़्यादा संभावना है,
बाकी स्वास्थ्य विभाग ने बच्चों के लिए भी सारे प्रकार की तैयारियां, चाहे वो ऑक्सीजन मास्क हो या दवाइयां हो, पूरी तरह से मुस्तैद है और तैयार है इसके लिए। ये थे हमारे साथ डॉक्टर मानसिंह नोडल अधिकारी जो बल्लभगढ़ से हैं। उनका साफ कहना है कि लोगों की सूझबूझ के चलते ही पिछली दो लहरों में भी कोरोना मरीजों की जो संख्या है वो कहीं ना कहीं कम हुई है, और जो तीसरी लहर है इसमें भी लोगों को स्वास्थ्य विभाग का योगदान देना चाहिए, खुले स्थलों पर ना घूमना चाहिए, मास्क लगा के घूमना चाहिए। यही है स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारी का कहना। बल्लभगढ़ से जयप्रकाश भाटी, VVM के।